Hi everyone. So first of all, congratulations to all those who have done good in phase one, but there is a real battle ahead. और जो बॉर्डर लाइन पे हैं उनको मैं यही बोलूंगा, keep your hopes alive. There is nothing better than hope in this world. So in this video, I am going to tell you about a 20-day strategy for RBI Grade B Phase 2 exam. 20 दिन भी नहीं बचे हैं वैसे तो. It's going to be really difficult. But let's see what all we can do. I'll tell you the approach, the important chapters, the areas to focus on so that we are able to at least give our best. So next 20 days की क्या approach होनी चाहिए? First of all, in my opinion, if you have already prepared something, you just need to revise. I'm going to tell you some important chapters. You can focus more on that. क्योंकि जितना पढ़ा है वो revise करके जाना है जरूर. And those who are just starting, it's not going to be easy and it was not supposed to be easy. राइट, बहुत मुश्किल होने वाली है. अगर आपने फेज टू अभी तक छुआ भी नहीं है, यू आर एक्चुअली गोइंग टू रियलाइज आफ्टर द रिजल्ट के मैंने ये गलती क्यों की. बट अगेन, कीप योर होप्स अलाइव दैट यू वुड डू गुड इन फेज टू. और जिन्होंने अच्छी तैयारी अभी तक नहीं की है उनके लिए मैं यही कहकर मोटिवेट कर सकता हूं कि देखिए, फेज टू में एक चीज है कि आपका जो पेपर है वो 200 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है. और डिस्क्रिप्टिव के लिए देखिए, यू नीड एन अंडरस्टैंडिंग, बट ऐसा नहीं है कि बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए. मतलब आप कुछ ना कुछ तो लिख ही आएंगे. सो इफ यू कैन एटलीस्ट लर्न अ गुड स्किल ऑन आंसर राइटिंग, आई थिंक यू कैन डू वेल हियर इवन विद लिमिटेड नॉलेज. सो यू माइट स्टिल हैव अ चांस. बाकी मुश्किल तो बहुत होने वाला है अगर आप अभी शुरू करने वाले हो, बट यू आर एट दिस स्टेज आई थिंक जहां आपको छोड़ना नहीं चाहिए. तो चलिए प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो मैं कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा. देखिए, अगर आप अपने पेपर्स को देखेंगे तो FM, ठीक है, यहाँ पे FM आएगा. FM इज द मोस्ट स्कोरिंग among all these three papers. The average score in FM over past some years is more than 70, and generally I would say that paper who students who actually clear this exam, I mean who get into RBI, they really good score in FM 75, 80. तो ये हमारा एक की एरिया रहना चाहिए if we analyze the past year papers. ESI generally tend to be tough, और उसका रीजन यही है कि it's very vast in scope because a lot of current affairs और schemes में they actually ask you some really out of the box questions जो शायद बहुत ज़्यादा predictable नहीं होते हैं. तो इस पे भी हमें मेहनत करनी है, but we have to divide our time judiciously कि must do areas FM में तो अच्छा score करें ही, ESI में एक par score लाएं. और I think this is one of the most underrated area where with least of the preparation you can beat anyone, right? तो यहाँ पे एक अच्छा स्कोर आप ला सकते हैं 65 to 70 के बीच में. तो FM और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे अच्छा टाइम दीजिएगा. और ESI को छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, बट आई थिंक ESI ऐसा पेपर है, शायद आप बहुत हार्डवर्क करेंगे, मे बी देन ऑल्सो यू आर नॉट एबल टू गेट गुड मार्क्स. तो इस चीज को याद रखिएगा. और दिस कैन बी द ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट. आई वुड से इन 20 days आई वॉन्ट यू टू रीड 8 hours एटलीस्ट. अब अगर आप वर्किंग है, प्रॉब्लम है, so I cannot have a solution for that. इतना तो पढ़ना पड़ेगा if you are starting from scratch. I want you to spend at least 160 hours on your preparation in the next 20 days. और उसमें से I want you to divide your time like this. आप 30% FM static objective को दीजिए, 15% ESI static मतलब जो objective part के लिए है. Then for current affairs 15% क्योंकि आप काफी पढ़ चुके हैं, you just need to revise and do additional for the July month. ठीक है. Answer writing एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, सो ये दोनों मिला के जो 200 नंबर का है, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 40% ऑफ योर टाइम हेयर. एज आई टोल्ड यू, दिस इज द की फॉर यू टू बी सक्सेसफुल. बाकी सबसे पहले ESI का स्टैटिक पोर्शन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. जो आपका 50 नंबर का आता है उसमें देखिए, जो सबसे पहले स्टैटिक का वेटेज है दैट इज हार्डली 10 to 12 मार्क्स. मतलब जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें से अराउंड 40 मार्क्स, 40 plus maybe 35+ is based on current affairs. तो static का weightage at least objective part में तो ज़्यादा नहीं है. तो उसके लिए I would say कि कुछ important chapters हैं which are important for static, which are also important for understanding, to understand the current affairs or to understand the other chapters. तो ये chapters core हैं, most important हैं. Inflation, balance of payment, monetary, fiscal, measurement of growth and development, sustainable development and environmental issues and international economic institutions. तो इन चैप्टर पे you should be giving the first priority because this is core. If you understand it, I think you would be able to answer at least most of the descriptive questions in your exam. ठीक है, तो इन चैप्टर्स पे फोकस कीजिए। एट द सेम टाइम डू नॉट लीव द अदर चैप्टर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चैप्टर्स बिल्कुल उड़ा दिए, फिर एग्जाम में तोते उड़ने वाले हैं। ठीक है, फेज वन की तरह ना हो जाए। सो हेयर वी हैव टू डू अदर चैप्टर्स ऑल्सो, बट यू कैन give less time to them, you can take them on lesser priority, at least scan through them, at least have a cursory look on them, so that if there is any descriptive question you are able to attempt. But याद रखिएगा static part जो आपका objective में आएगा that would be somewhere between 10 to 15 marks if we see the traditional papers. बाकी इन chapters में अभी देखिए videos देखने का time नहीं है। if you are starting from scratch, concept notes या summary sheets पढ़ लो, ठीक है, और बाकी क्विज़ेस को अटेम्प्ट कर लो चैप्टर वाइज। और जो अदर चैप्टर्स हैं उनमें तो सिर्फ समरी शीट जल्दी जल्दी पढ़ो। इनके अलावा जो चैप्टर्स हैं देयर इज नो नीड टू इवन अटेम्प्ट द क्विज़ेस। डिस्क्रिप्टिव के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, हियर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट फ्रॉम द स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कमिंग ऑन टू द मैनेजमेंट पार्ट। नाउ इफ देयर इज वन सेक्शन ऑफ योर एंटायर फेज टू व्हिच इज द मोस्ट स्कोरिंग, दैट इज मैनेजमेंट। द स्कोर इन एफएम इज आल्सो प्रीटी हाई, द एवरेज स्कोर व्हिच आई टोल्ड यू राइट इज 70+, only because of management, क्योंकि ये सेक्शन में अगर आप ठोक के नंबर ले लेंगे ना, then you will get a good score in finance and management. तो यहाँ पे देखिए this is part of your syllabus, these are the heads which are written in your syllabus. तो काफी लोग पूछते हैं सर इसमें से कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। अरे अब इतना भी मत पूछो, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है, अगर ये 50 नंबर का आता है मैनेजमेंट आपका, आई वुड एटलीस्ट एक्सपेक्ट कि आप इसमें 40 से ऊपर नंबर लाएं, मे बी 45 तक लाएं। ठीक है, तो इसमें से देयर इज नथिंग दैट आई कैन टेल यू दिस इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग हैज टू बी रेड, एवरीथिंग, बिकॉज हियर यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इवन वन मार्क। यही आपकी मार्क्स की सीक्रेट है, यही आपकी मार्क्स की पेटी है जहां से आपको मार्क्स लेने हैं। नाउ इतना जरूर बता सकता हूं कि कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि मोटिवेशन, लीडरशिप, अगर आप हमारे कोर्स से पढ़ रहे हैं और इवन इफ यू आर रीडिंग सम बुक, देयर वुड बी सम थ्योरीज इन दिस चैप्टर्स व्हिच आर नॉट गिवन इन द सिलेबस। ठीक है, जैसे मोटिवेशन की बात करें तो कंटेंट थ्योरीज में सिर्फ मैस्लो, एल्डरफर की ERG, मैकक्लेलैंड और हर्जबर्ग गिवन है, लेकिन कोर्स में काफी सारी थ्योरीज हैं, बुक्स में भी काफी सारी थ्योरीज हैं, विच वी हैव जस्ट पुट के कुछ, बिकॉज सिलेबस इज ऑलवेज इंडिकेटिव राइट, सो वो पूछ सकते हैं, बट इफ यू आर लेस ऑन टाइम इसको बिल्कुल भी मत कीजिए। जस्ट फोकस ऑन द थ्योरीज विच आर डायरेक्टली मेंशन इन योर सिलेबस, डोंट वेस्ट टाइम ऑन अदर थ्योरीज। और मिंट्सबर्ग रोल है एक आपके जर्नल मैनेजमेंट में, जिसके हमने आपको शायद 2-3 पार्ट्स दिए हैं, उसमें वन ऑफ द चैप्टर्स देयर इज मिंट्सबर्ग रोल व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है पक्का आएगा, लेकिन अगर आ गया तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन आते हैं इकट्ठे, एंड बहुत बार आए हैं, तो इसको जरूर कीजिएगा, इसको बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। और मैनेजमेंट में देखिए मेनी टाइम्स आई हैव सीन पीपल आर रीडिंग लॉट बट दे आर नॉट एबल टू ग्रास्प द कंसेप्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चंस आर नॉट बुकिश एनीमोर। वो शायद 2-3 साल पहले होता था, नाउ दे आर एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे एमसीक्यूज करने हैं ताकि वी लर्न द एप्लीकेशन, वी लर्न दैट आर्ट ऑफ एप्लीकेशन, एंड वी आर एबल टू सॉल्व केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। और आई थिंक वीडियोज मैनेजमेंट में भी देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट नोट्स या समरी शीट्स पढ़िए और रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि मैनेजमेंट कैन बी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स। और क्विज़ेस को जरूर जरूर अटेम्प्ट कीजिए, जैसे मैंने बोला एमसीक्यूज आर द की टू लर्न एंड अप्लाई द थिंग्स। बाकी फाइनेंस में अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव पार्ट की राइट फ्रॉम स्टैटिक एंगल, तो द मेनी चैप्टर्स विच आर न्यूमेरिकल ओरिएंटेड नाउ, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, एंड स्पेसिफिकली द चैप्टर्स विच हैज बीन एडेड न्यू, रेशियोज हो गया, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। बट अगर आप न्यूमेरिकल का ट्रेंड देखेंगे तो 2021 और 22 में तो भाई 0 नंबर के ही आए हैं। 17-18 तक काफी न्यूमेरिकल्स आ रहे थे बिकॉज एट दैट टाइम कैलकुलेटर्स वर अलाउड। तो अभी इस साल वी डोंट नो कितने आएंगे, बट इवन इफ दे कम, आई डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत हार्ड आने वाले हैं कि जी पूरा बैलेंस शीट बनाओ या डिस्क्रिप्टिव में पूरा बैलेंस शीट दे दिया, नहीं। आई एक्सपेक्ट कि बेसिक न्यूमेरिकल्स आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड, स्पेशली ऑन रेशियोज। तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, स्पेशली ऑन रेशियोज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, बेसिक न्यूमेरिकल जरूर कर जाइएगा। आई एक्सपेक्ट देम इन द एग्जाम दिस ईयर, हालांकि पिछले 2 साल में 0 नंबर का है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फाइनेंस के, अगेन विच आर कोर, विच आर इंपॉर्टेंट। मतलब इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ने में टाइम लगेगा, इन्हीं चैप्टर से ज्यादा आपका जो ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का है उसमें जो स्टैटिक आएगा वो यही आने वाला है। तो इन चैप्टर्स को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड रेशियोज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, रिस्क मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, Functions of RBI, fiscal policy and financial institutions. Financial institutions means जो different financial institutions है, SEBI, NABARD, NHB, उनका एक chapter है जो हमें पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो ये chapters हैं जो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी एक्सपेक्ट एमसीक्यूज फ्रॉम दीज चैप्टर्स। अगेन बाकी चैप्टर्स छोड़ने नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन फ्रॉम देम कैन बी आस्क्ड स्पेशली इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, बट दोज आर बेसिकली नॉट मच टेक्निकल, थ्योरेटिकल से हैं, जल्दी जल्दी आप पढ़ सकते हैं, बट ज्यादा फोकस आप इन पे कीजिएगा। और ये जो येलो में चैप्टर्स हैं ये कुछ डिफिकल्ट लग सकते हैं, सो यू माइट बी नो I would say forced to watch the videos of these chapters because then you will understand them better. बाकी chapters के लिए again सिर्फ concept notes और summary sheets पढ़िए और chapter wise quizzes कीजिए because you don't have time. Now coming on to the current affairs guys, ठीक है, current affairs the good point is that you are already prepared for that to some extent. अब जैसा भी paper आएगा लेकिन एक तैयारी तो हो चुकी है, tough आएगा तो सबके लिए tough होगा। तो फाइनेंस के करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है आरबीआई नोटिफिकेशंस, एग्जाम से 6 से 9 महीने पहले की। इवन इफ यू हैव सीन द आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 पेपर, देयर वर लॉट ऑफ आरबीआई नोटिफिकेशंस क्वेश्चंस इन दैट। सो ये फेज 2 में भी ऐसा ही होता है, आरबीआई नोटिफिकेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप इट गेट्स रिपीटेड दिस ईयर ऑल्सो, तो इसको टॉप प्रायोरिटी पे पढ़िएगा। इफ इन फाइनेंस करंट अफेयर्स यू हैव टू डू वन थिंग, दैट इज आरबीआई नोटिफिकेशंस। उसके अलावा न्यूज रिलेटेड टू सेबी, न्यूज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कोई बड़ा रेगुलेशन पास हुआ है, कोई बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, एंड यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, दो दे वुड नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट, बट पता नहीं लगता है अब उनको तो सरप्राइज करना है तो यहाँ से क्वेश्चन डाल सकते हैं। बट मैंने देखा है कि जब पेपर बजट के पास होता है मार्च अप्रैल में तब ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अभी थोड़ा दूर हो रहा है जुलाई में तो वी एक्सपेक्ट लेस क्वेश्चन, बट अगेन नथिंग कैन बी सेड। अब ईएसआई करंट अफेयर्स की बात करें, यहाँ पे रिपोर्ट्स और स्कीम्स, दीज टू वर्टिकल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और रिपोर्ट्स पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है दैट यू रीड रिपोर्ट्स विच आर रिलेटेड टू योर सिलेबस। तो आपके कोर्स में रिपोर्ट्स टाइप है वो 6 महीने का पढ़ लीजिए, वी हैव ऑलरेडी फिल्टर्ड आउट द रेलेवेंट रिपोर्ट्स इन दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आई वुड से थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा विच रिपोर्ट्स आर इन न्यूज एंड रीड दैट रिपोर्ट्स इन द न्यूज़पेपर्स इटसेल्फ व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन देयर। नहीं तो ये रिपोर्ट्स टैब से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और फोकस ऑन द रिपोर्ट्स विच आर रिलीज बाय बिगर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को, या फिर आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं ऑफ स्टेचर, उनकी रिपोर्ट्स सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे हमें पढ़नी है। इफ आई टॉक अबाउट स्कीम्स पिछले साल तो बहुत ज्यादा, आई थिंक अराउंड 28 टू 30 मार्क्स की आई थी। नॉर्मली देयर इज अ गुड बैलेंस बिटवीन रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स, जैसे 15 के रिपोर्ट्स आ गए या फिर 20 के स्कीम्स आ गए, बट लास्ट ईयर इट वाज स्क्यूड। रिपोर्ट सिर्फ 7-8 नंबर की आई लेकिन स्कीम्स 28 नंबर्स की आई थी। तो उस एंगल से नाउ यू डोंट नो वेदर रिपोर्ट्स विल अगेन मेक अ कमबैक और स्कीम्स वुड बी सीन ऑल ओवर द एग्जाम, पर स्कीम्स तो इंपॉर्टेंट है ही, अच्छे से करनी है। अगेन आपके कोर्स में जो स्कीम्स टाइप है वो आपको 6 से 9 महीने का पढ़ना है। एवरीथिंग हैज बीन फिल्टर्ड आउट देयर, तो उसी पे फोकस कीजिए। देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग टू सम अदर सोर्स। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं देन सर्च आउट फॉर स्कीम्स विच आर एक्चुअली बीन इन न्यूज इन पीआईबी एंड हिंदू इन द लास्ट 6 मंथ। जो भी न्यूज में है उन्हीं पे फोकस कीजिए और सिलेबस से मैप कीजिए। अगेन स्पेशली जो सोशल इशूज से रिलेटेड स्कीम्स हैं, सोशल जस्टिस, जेंडर इशूज हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सिलेबस में नहीं है बट उनकी भी आप थोड़ी बहुत देख सकते हो। और ये कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं, ठीक है। अब तो इसके बाहर वैसे पूछने लग गए हैं बट एटलीस्ट इतना तो कर जाओ ताकि जो क्वेश्चन बाकी लोग करके आए वो आप भी करो। बट नाउ दे आर आस्किंग फ्रॉम एनीवेयर, राइट, सो वी कैन नॉट पिन पॉइंट के बस यही करके जाना है। सो दैट इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन यू आर इन नाउ। तो ये कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था। लॉन्च ईयर कि स्कीम कब लॉन्च हुई थी, फंडिंग क्या है, बजट में कितना अमाउंट एलोकेट हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एट द टॉप, देन हु आर द टारगेट बेनिफिशियरीज हु आर एक्सक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, देन करंट डेवलपमेंट्स, राइट। सो फॉर सम करंट डेवलपमेंट इट विल बी इन न्यूज इफ दैट करंट डेवलपमेंट इज वेरी बिग डेवलपमेंट दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। बाकी यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे के सिर्फ आप समरी पढ़ सकते हैं अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं पीआईबी और पीआरएस से, और जो लोग एनरोल्ड हैं दे कैन रीड the summary of Union Budget and Economic Survey and the MCQs which are given in your course. उसके अलावा ESI की न्यूज भी आ जाती हैं. लास्ट ईयर रेसिना डायलॉग पे क्वेश्चन आया था, सो वो भी आएंगी. सो यू हैव टू स्टिल रीड योर ESI पार्ट ऑफ योर करंट टैप मैगजीन राइट फॉर पास्ट 6 months राइट. और ये सारे करंट अफेयर्स जो भी मैंने आपको बताए हैं, रिपोर्ट्स हो गया, स्कीम्स हो गया, आरबीआई नोटिफिकेशंस हो गया, ये आपको जुलाई 22 तक करने हैं. इस बार भी अगर आप एग्जाम में देखेंगे, देयर वाज वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द न्यूज व्हिच केम ऑन 2nd of July. तो 22nd July 23rd July तक आपको करना है, हालांकि आपका पेपर 31st July को है. ठीक है, सो दिस इज about the current affairs guys. Now moving on to the answer writing part. Answer writing कैसे करेंगे भाई? 200 नंबर की है, 200 नंबर की आंसर राइटिंग है if I include even the descriptive part. तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा. और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ये परसेप्शन बनाते हुए that sir I am not good in English, I cannot write good vocabulary, my sentences are not that great. तो उनको डर लगता है कि वो आंसर नहीं लिख पाएंगे. दैट्स ट्रू राइट. मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी मतलब लैंग्वेज लिखेंगे तो शायद कोई इंप्रेस हो जाए, बट शायद आरबीआई एग्जाम में नहीं. दे आर लुकिंग मोर फॉर अ स्ट्रक्चर एंड अ लॉजिकल रीजनिंग दैट हाउ डू यू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट. तो अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे, आई थिंक दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. एक्सक्यूज मी. तो यहाँ पे आई वुड से कि इवन विद एन एवरेज कंटेंट और विद द एवरेज वोकैबुलरी इफ यू कैन स्टिल फोकस ऑन योर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स. देखिए पेपर मैनुअल चेक होता है, लेकिन अगर एरर्स होंगे तो वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो पकड़ ही लेगा. सो दे विल श्योरली कट योर मार्क्स. सो डोंट डू एनी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स. टाइपिंग स्पीड पे काम कीजिए. पेपर ही खत्म नहीं हुआ तो क्या होगा? आपको नॉर्मली अगर ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो 400 वर्ड लिखने होते हैं 2 क्वेश्चन में और 600 वर्ड लिखने होते हैं 2 क्वेश्चन में, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 2000. बट इतने लिख नहीं पाते जनरली लोग. इसका 70% लिख आते हैं, तो विच इज लाइक 1400 वर्ड्स इन 90 मिनट्स राइट. तो अगर आप इसको काटेंगे सो नीड अ टाइपिंग स्पीड ऑफ अराउंड 15 वर्ड्स पर मिनट, वेर यू हैव टू थिंक ऑल्सो. आपको शायद डिलीट भी करना पड़ेगा वापस जाके. सो इट इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ प्रैक्टिस, देन ओनली यू वुड बी एबल टू मीट दिस टाइपिंग स्पीड. और वर्ड लिमिट को मीट करना सीखिए. कई बार हम 100 वर्ड्स में ही आंसर कंप्लीट करने की सोचते हैं, बट एटलीस्ट अगर 400 वर्ड का है तो 300 वर्ड तो लिखने ही पड़ेंगे. और अपने क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स, डेटा, फैक्ट्स, ट्रेंड्स डालिए. फॉर एग्जाम्पल यूर राइटिंग एन आंसर ऑन कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट में यार यू कैन ऑलवेज गिव एन एग्जांपल कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, रतन टाटा, साइरस मिस्त्री की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी. यू कैन टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रांड्स. तो एग्जांपल्स देंगे. कोई आप एनपीएस पे लिख रहे हैं, जब तक आप डेटा नहीं प्रेजेंट करेंगे कि एनपीएस का करंट लेवल क्या है, वो ट्रेंड क्या है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, आई थिंक एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर दैट. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेटा पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे, तभी आप आंसर में एक जान डाल पाएंगे. और आंसर को स्ट्रक्चर करना सीखिए. मैंने बहुत बार देखा है कि अच्छा लिखा होता है बट आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट स्ट्रक्चर्ड. मतलब पता ही नहीं लगता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? तो उसको एक स्ट्रक्चर करना सीखिए. सो हमारे कोर्स में जैसे वीडियोज हैं ऑन आंसर राइटिंग, उनको देखिए. यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडिया एट हाउ टू स्ट्रक्चर एंड लिंक योर आंसर बिटवीन इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन. और मॉक टेस्ट को आप एग्जाम लाइक इंटरफेस पे दीजिए. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए अभी काफी लोग क्या करते हैं, पेन और पेपर पे लिखते हैं, जो बिल्कुल गलत है. कोई लोग अगर लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे भी लिख रहे हैं तो वो पूरा स्क्रीन खोल के लिखने लग जाते हैं. ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जाम में जो आपको विंडो मिलेगा ना लिखने के लिए, वो हार्डली आई वुड से इतना होगा. थोड़ा छोटा बना दिया मैंने, इतना होगा. ठीक है, अब इतने से विंडो में व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग योर सेंटेंसेस ना, आई मीन देयर वुड बी अ वर्टिकल स्क्रॉल व्हेन यू राइट 7, 8, 9, 10 लाइंस एंड देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो अप एंड डाउन एंड मेक अ लिंक के पहले क्या लिखा था और अब क्या लिख रहे हैं. तो उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिए. प्रैक्टिस ऑन अ रियल एग्जाम लाइक इंटरफेस. कुछ नहीं है तो अपना नोटपैड खोल के ना उसको डायगनली ऐसे कम कर लीजिए, सो दैट इट बिकम्स 1/4 ऑफ योर लैपटॉप स्क्रीन. एटलीस्ट थोड़ा रियल टाइम एग्जाम मॉक हो जाएगा. बाकी सब्जेक्टिव की बात करें तो मैनेजमेंट में देखिए, वैसे तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बट आई थिंक ये चैप्टर्स तो जरूर करके जाइए. अब एक थ्योरी कहती है कि सर लास्ट ईयर एथिक्स से क्वेश्चन आ गया था शायद, तो इस साल नहीं आएगा। तो बट एनीवेज मतलब मुझे लगता है कि नीचे वाले चैप्टर्स तो करके जाना है, ऊपर वाले अगर आपने ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ लिए हैं, इफ यू हैव रेड देम फ्रॉम ऑब्जेक्टिव यू कैन ऑलवेज डू अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑन देम। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट में आई थिंक in any descriptive answer writing practice you need to revise mind maps a lot जो हमने दिए हैं, because mind map से you will get quick recall और वो recall ही आपको जल्दी जल्दी answer लिखने में help करेगा, because the major problem is that when we see the question we go blank कि इसमें points क्या लिखने हैं, तो वो you should be having at the top of your mind। ठीक है, तो ये chapters important है मेरे हिसाब से, पर बाकी chapters में आ भी सकता है। और questions in management are super easy guys। आप देखिए What is corporate governance? What is transformational leadership and transactional leadership? State difference between them. Very straightforward. Describes manager role in encouraging ethical behavior in an organization. So all these questions are straightforward. I mean, I think questions in management are not supposed to be complex, especially in this exam. और ये questions जो आपके आ रहे हैं directly आप देखेंगे आपके syllabus tag से आ रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, डिफाइन इट्स नीड एंड प्रिंसिपल्स, ये डायरेक्टली सिलेबस टैग में है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया, उसके मैकेनिज्म्स हो गए, फिर बैरियर्स टू इंटरपर्सनल एंड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीधा सीधा लिखा है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सो ऐसे आपके टैग्स में से आई वुड से कि थोड़ा सा हाई लेवल ब्रॉड लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं, ना कि बहुत अंदर जाके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो ब्रॉडर टैग्स हैं उन पे एटलीस्ट यू प्रिपेयर योर आंसर। और मैनेजमेंट में आई थिंक द की टू स्कोर गुड इन योर आंसर इज टू प्रेजेंट सम एग्जांपल्स, जैसे कि क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप पे, टिल द टाइम यू विल नॉट प्रेजेंट एग्जांपल्स लाइक यार बिल गेट्स ट्रांजैक्शनल लीडर थे या फिर हेनरी फोर्ड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर थे। आई मीन दैट इज नॉट गोइंग टू इम्प्रेस द एग्जामिनर कि आपको कुछ रियल टाइम रियल लाइफ नॉलेज है भी या नहीं है, तो यही शायद डिफरेंशिएट करेगा। एंड एवरीथिंग वुड बी एबल टू राइट यूनिक एग्जाम्पल, सो दैट वुड क्रिएट एन इम्पैक्ट। बाकी रिकॉल पे फोकस कीजिएगा, जो मैंने पहले भी बताया, माइंड मैप्स को बार बार देखिएगा। मैनेजमेंट में काफी बार होता है कि आपको ब्रॉडर पॉइंट्स ही नहीं याद रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए, देन यू आर लॉस्ट, देन नोबडी कैन हेल्प यू because there would be no options, no hint in the exam and the descriptive questions. Finance में अगर बात करें, so there is long list of chapters which I would say are only meant for descriptive part. मतलब financial inclusion हो गया जी, role of IT हो गया, changes in global financial system and its impact on India हो गया, financial institutions या digital payments हो गया, non banking हो गया। ये chapter को तो देख के लगता है कि ये बने ही descriptive के लिए हैं। There is not much core concepts in these chapters which can be asked in the exam. तो ये तो बहुत अच्छे से करने हैं। Apart from that, risk management, inflation, functions of RBI, monetary policy, banking system structure and concerns, ये भी सीधा मतलब उसी के लिए बना है। यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन आ सकता है। एफएसआर में से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, लेकिन इकोनॉमिक सेक्शन में। एंड रिपोर्ट्स इन ट्रेंड्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री, ये भी आरबीआई रिलीज करता है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर लास्ट ईयर एफएसआर में से आया था तो इन सब पे हमें प्रिपेयर करना है। इन रिपोर्ट्स पे हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको लाइव सेशंस में। ठीक है, और बाकी चैप्टर्स का सब्जेक्टिव आई थिंक आप कर ही लेंगे, अगर आपने उसका ऑब्जेक्टिव कर लिया है तो ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, बट इन चैप्टर्स पे ज्यादा मेहनत करनी है। और अगर आप क्वेश्चन देखें फाइनेंस में तो अगेन दे आर मिक्स, सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्कस 5 अनाउंसमेंट्स ऑफ यूनियन बजट 2023, कुछ भी लिख दो जो भी याद है। पिछली बार एक क्वेश्चन थोड़ा सा था स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन यूजुअल नहीं था कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन बताओ, मतलब थोड़ा ब्रॉड नहीं था, बहुत ही अंदर जाके पूछ लिया था कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ही बताओ। अगर वो पूछ लेते कि व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स अवेलेबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी या फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देन दैट हैव बीन अ ब्रॉडर क्वेश्चन, बट एलटीआरओ के बारे में पूछ लिया बिकॉज दैट वाज इन न्यूज। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखिए फाइनेंस मैनेजमेंट का कंबाइंड पेपर होता है जिसमें 6 क्वेश्चन आएंगे। ट्रेंड देखें तो जनरली 3 मैनेजमेंट और 3 फाइनेंस में से आते हैं, आपको करने होते हैं 4। तो आई थिंक अगर आपका मैनेजमेंट पे अच्छा होल्ड होगा ना तो आप 4 में से 3 यही करेंगे और इन 3 में से आप 1 करेंगे, मतलब ऐसा कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाता है। बिकॉज फाइनेंस में जैसे लास्ट ईयर एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ गया था, वो भी लोगों को आता था बट दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन राइटिंग इट, एज अदरवाइज दे वर कंफर्टेबल इन राइटिंग मैनेजमेंट आंसर्स। तो मैनेजमेंट मैंने कुछ नहीं छोड़ना, वो एक्चुअली आपकी जो फाइनेंस की एक शॉर्टकमिंग होगी उसको ओवरकम कर लेगा, क्योंकि कंबाइंड पेपर आ रहा है। और फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव में भी गाइज अब मतलब अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है जैसे बेसल नॉर्म्स पे आ गया, तो आई थिंक टिल द टाइम यू डोंट रिप्रेजेंट सम रिपोर्ट्स एंड डेटा ऑन एनपीएस दैट व्हाई बेसल नॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड, फिर कुछ एग्जांपल्स नहीं देंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने बेसल नॉर्म को इंप्लीमेंट करके अपने एनपीएस कम किए या ज़्यादा स्टेबिलिटी लाए और अब क्या ट्रेंड्स चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फाइनेंस में, टू प्रेजेंट सम डेटा और ट्रेंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे बट डेटा और ट्रेंड्स प्रेजेंट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक्स में गाइज दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ आवर एंटायर सब्जेक्टिव पार्ट, क्वेश्चंस आर नॉट बुकिश। लास्ट ईयर ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पे क्वेश्चन आया, देखिए आप, फाइनेंशियल रेजिलियंस इज एसेंशियल टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेस, डिस्कस कंसिडरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय आरबीआई December 2021। अब ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, शायद किसी भी कोर्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, बिकॉज ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। बट इफ यू वुड हैव रेड, ठीक है, यू वुड हैव नोटेड सम पॉइंट्स, यू कुड हैव रिटन इट। अगेन द आंसर टू दीज क्वेश्चंस इज नॉट परफेक्ट। आप ये नहीं बोल सकते कि इसका यही सही आंसर है, यही बेटर है, मुझे परफेक्ट आंसर लिखना है। ऐसे क्वेश्चंस में आई थिंक इट्स मोर अबाउट दैट व्हाटएवर यू नो यू शुड बी एबल टू राइट अ गुड आंसर यूजिंग योर नॉलेज। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट आंसर। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए आप, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पे आया है, हाउ द हिंडरलैंड्स यंग एंटरप्राइजेस कैन सॉल्व इंडिया सोशल चैलेंजेस। अब रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कोई डायरेक्टली टॉपिक नहीं है बट सोशल इश्यूज में कहीं ना कहीं रूरल एरियाज के चैलेंजेस भी आते हैं, सो दे हैव पुट अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। अगेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है, आई थिंक इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज एंड रीडिंग दैट यू आर एबल टू अटेंड दिस क्वेश्चंस। बट काफी क्वेश्चंस सीधे भी आते हैं। लास्ट ईयर एक एनबीएफसी पे क्वेश्चन आया था। अगेन एनबीएफसी जनरली हम फाइनेंस में पढ़ते हैं नॉन बैंकिंग, तो उससे रिलेटेड था बट ये डुएबल था। तो कुछ क्वेश्चंस तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे इकोनॉमिक्स में, कुछ क्वेश्चंस टेढ़े आ सकते हैं, बट टेढ़े क्वेश्चंस के लिए घबराना नहीं है। इट्स देयर डिफिकल्ट फॉर एवरीवन एंड द पॉइंट देयर इज टू राइट समथिंग व्हिच इज लॉजिकल, व्हिच एक्चुअली प्रेजेंट्स सम इंफॉर्मेशन टू द एग्जामिनर, चाहे वो बहुत अच्छा ना हो, डजंट मैटर। आपका ऑब्जेक्टिव वहां 10 में से 10 लेना नहीं है, बट हाँ 10 में से 4 लेना भी नहीं है, 6-7 नंबर आएंगे, दैट वुड बी गुड। घबराना बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट के जहां नहीं आता है वो क्वेश्चन लिखो। जब आप प्रैक्टिस भी करोगे ना, अगर 4 क्वेश्चन है सामने, सबसे पहले वो उठाओ जो बिल्कुल लगता है कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, बिकॉज दिस इज द आर्ट आई वॉन्ट यू टू लर्न। ठीक है, बाकी यहाँ पे ESI सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं। वैसे देखिए ESI में नाउ पीपल जनरली टेल मी कि सर बहुत सारा डेटा है, क्या क्या याद रखें, करंट अफेयर्स में ट्रेंड्स हैं, क्योंकि आंसर्स में लिखने आपको सारा नहीं याद रखना है। आप ESI के हर चैप्टर पे एक फोल्डर बना लीजिए, हर चैप्टर का एक पेज बना लीजिए कि जेंडर इश्यूज का एक पेज है, उसमें आप जेंडर इश्यूज से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स लिख लीजिए, इंडिया में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या चैलेंजेस हैं, करंट डेवलपमेंट्स क्या है, कुछ स्कीम्स लॉन्च हुई होंगी, कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च हुए होंगे, जेंडर इश्यूज का सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंगल क्या है, जेंडर इश्यूज के ऊपर डिफरेंट रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। आप ऐसे कर कर कुछ 6-7 पॉइंट्स लिख लीजिए हर टॉपिक पे, एंड आई एम श्योर के जो भी क्वेश्चन आएगा समहाउ यू वुड बी एबल टू पुट दिस डेटा, पुट दिस इंफॉर्मेशन इन दैट आंसर। एग्जामिनर को नहीं पता है कि आप सिर्फ ये पढ़ के आए हो, उसको लगेगा आपने इतना अच्छा लिख दिया, आपने सब पढ़ा हुआ है। सो दैट इज द ट्रिक यू कैन यूज। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रिमेंबर एवरीथिंग ऑन एवरी टॉपिक, एटलीस्ट ट्राई टू राइट 2 पेजेस व्हिच इंक्लूड्स ऑल दिस, एंड यूजिंग दिस आई थिंक यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एनी चैप्टर। बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करें एंड में, आई थिंक द मोस्ट अंडररेटेड 100 नंबर, 20-25-30 घंटे भी लगाओगे तो अच्छी तैयारी हो सकती है। करना कुछ नहीं है, फर्स्ट लर्न द टेक्निकलिटीज ऑफ राइटिंग एन एसे प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। अच्छे से सीख लो कि एसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन में क्या रूल्स हैं, प्रेसी फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है या थर्ड फॉर्म में लिखनी है, प्रेसी में हेडिंग देनी है नहीं देनी, प्रेसी में डेटा कॉपी करना है नहीं करना, बेसिक रूल सीख लो। उसके बाद इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है यार, आप बस एडिटोरियल पढ़ लो, उससे कॉन्टेंट भी मिलेगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एडिटोरियल लाइव मिंट में से पढ़ लो, हिंदू में से पढ़ लो, दोनों में से ऑल्टरनेट डे पढ़ लो, जैसे पढ़ना है पढ़ो, एंड वंस यू रीड दैट एडिटोरियल 3 दिन बाद उसको टाइप करो। राइट नहीं करना, एग्जाम ऑनलाइन है, टाइप करना है। कहाँ टाइप करना है? नोट पैड में, वर्ड पैड में नहीं टाइप करना, बिकॉज वर्ड विल ऑटो करेक्ट एवरीथिंग। तो इसको टाइप करो नोट पैड में, एंड वंस यू टाइप इट गो टू द वेबसाइट grammarly.com। हो सके तो उसका पेड वर्जन भी ले लो, इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई ऑल योर ग्रामेटिकल, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, ये डेली करोगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी स्ट्रक्चर और लिंकिंग भी इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज एडिटोरियल्स आर रिटन इन वेरी प्रोफेशनल मैनर। और उसको अगर आप पढ़कर कॉपी करने की कोशिश करोगे, यू विल स्टार्ट राइटिंग इन अ स्ट्रक्चर एंड लिंक मैनर, और लास्ट आपका कंटेंट बहुत फाड़ू हो जाएगा। दैट वुड बी यूजफुल इवन इन ESI आंसर्स और फाइनेंस आंसर्स। तो इस एक्सरसाइज को जरूर कीजिए अगले 20 दिन डेली, आज से ही शुरू करना है, नथिंग एल्स यू रिक्वायर। बस 1-2 दिन ये वीडियोस देख लो, ठीक है, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन पे, और फिर ये एक्सरसाइज करो डेली फॉर 45 मिनट्स, 20-25 मिनट आंसर, 15 मिनट रिव्यू, दैट्स इट। और मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है, और ट्राई करो कि मॉक टेस्ट एक ही सिटिंग में दो। मतलब अगर आप FM, ESI और इंग्लिश का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वो एक ही दिन दो, एज इट वुड बी इन द रियल एग्जाम। एग्जाम में क्या होता है, आई थिंक इफ आई रिमेंबर, आपका ESI और इंग्लिश का पेपर इकट्ठा होगा, विच मीन्स आपको 120 प्लस 90 मिनट्स बिल्कुल नॉन स्टॉप बैठना होगा। उसके बाद आपको फाइनेंस का पेपर होगा, FM का, विच इज अगेन 90 मिनट्स। तो टोटल अराउंड आपको 5 घंटे बैठना है एक दिन में, विद जस्ट 1 ब्रेक। तो ये आपको अभी स्टेमिना बिल्ड करना है, अभी एक एक क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, वहां यू आर गोइंग टू बर्न आउट, थक जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है कि मॉक टेस्ट दो, और एटलीस्ट 4 मॉक टेस्ट दो। आप डेट्स आप रख सकते हो, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 23 जुलाई, 26 जुलाई, बस ये डेट्स पे मॉक टेस्ट दो, 4 तो दो एटलीस्ट। और हर मॉक टेस्ट में जो आपका इवेल्युएशन होगा उसको अच्छे से देखो, नोट करो, अगले मॉक टेस्ट में इंप्रूव करो, ये बहुत जरूरी है। अ गुड इवेल्युएशन इज रिक्वायर्ड एंड फीडबैक इज रिक्वायर्ड इन एवरी ऑफ योर मॉक टेस्ट। अपने मेंटोर्स, अपने फ्रेंड्स, जहां से भी फीडबैक ले सकते हो, बट एक्सपीरियंस फीडबैक दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू स्केल हियर। एज्यूम मत करना कि मैं अच्छा लिख रहा हूं, उसमें आप डूब जाओगे। और कुछ लोग अगर असिस्टेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वी हैव दिस RBI ग्रेड B क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज फॉर फेज 2। क्रैश कोर्स में वी आर गोइंग टू हैव अराउंड से 30-40 क्लासेस ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 20 डेज। बहुत फास्ट पेस रहेगा, ये लोग वही कर सकते हैं जो बहुत जुनून और कंसिस्टेंसी से काम करना चाहते हैं। क्रिस्प नोट्स मिलेंगे फॉर ऑल दी चैप्टर्स इन ESI फाइनेंस, ठीक है, माइंड मैप्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, यू वुड गेट चैप्टर वाइज MCQs एंड यू वुड गेट इवेल्युएशन ऑफ टेस्ट ऑफ योर फुल लेंथ मॉक टेस्ट। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, ESI के भी, FM के भी और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के भी। एंड इफ आई टॉक अबाउट टेस्ट सीरीज गाइज, दिस इज ओनली वेयर यू विल गेट MCQs, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ भी नोट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ MCQs मिलेंगे, ESI के, FM के, डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, ठीक है, ESI के और FM के, और करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, और इवेल्युएशन आपको इसमें टेस्ट सीरीज में भी मिलेगी, बट आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, माइंड मैप्स नहीं मिलेंगे इसमें, जो आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो आप जो भी आपको सूट करता है, इफ यू प्लान टू एनरोल यू कैन एनरोल, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट पेस्ड, इसमें आराम से कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज टाइम है ही नहीं हमारे पास। 30 जुलाई के बाद हम क्या घंटा फायदा करेंगे आपको पढ़ाकर, पढ़ाना है तो अभी पढ़ाना हो। सो विद दैट आई टेक यू लीव गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।